गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 25 आपसी झगड़ा जो मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें दो बिल्लियां थी आपस में झगड़ा कर रही थी एक रोटी के टुकड़े के लिए। इन दोनों को भूख लगी थी और एक रोटी का टुकड़ा था उसी को खाने के लिए झगड़ा कर रही थी। ऊपर बैठा बंदर बेड पर देख रहा था और समझ भी रहा था कि ये दोनों बिल्लियां कितनी बेवकूफी कर रही है और झगड़ा कर रही है। और उन्हीं क्या फायदा उठा करके एक तराजू मंगवाया और रोटी का टुकड़ा जो था वो आधा आधा बांट कर तराजू में रखता गया और घर का ज्यादा होता गया वो खाता गया। लास्ट में थोड़ी सी रोटी बची तब बिल्लियों ने कहा कि अब हमें मंगवाना माफ नहीं करवाना है। तब बंदर ने क्या कहा, मैंने इतनी मेहनत की है अब मुझे कुछ मेहनत आना चाहिए। और इतना कहकर वो रोटी का टुकड़ा झट से मुंह में डाल करके चला जाता है और दोनों बिल्लियां आपस में एक दूसरे का चेहरा देखती रहती हैं और अफसोस करती हैं कि लड़े ना होते तो रोटी का टुकड़ा खाए और भूख मिटाए। लेकिन दोनों आपस में लड़ती रही और रोटी का टुकड़ा हाथ से निकल गया, एक रोटी जो थी हाथ से पूरी निकल गई। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर जो है आपकी किताब में दिया है, मैंने बोर्ड पर लिखा है कितनी बिल्लियां थी बच्चों, तो बिल्लियां दो थी। बिल्लियां दो बिल्लियां किसकी तलाश में निकल पड़ी? बिल्लियां किसकी तलाश में निकल पड़ी? बिल्लियां किसकी तलाश में निकल पड़ी? तो बिल्लियां भोजन की तलाश में निकल पड़ी। बिल्लियां भोजन के तलाश में निकल पड़ी। किसकी तलाश थी? उनको भोजन की तलाश थी क्योंकि उन्हें बहुत तेजी से भूख लग रही थी। बिल्लियों को लड़ते हुए कौन देख रहा था? बिल्लियों को लड़ते लड़ते हुए कौन देख देख रहा था? बिल्लियों को लड़ते हुए बंदर देख रहा था। ठीक है, बिल्लियों को लड़ते हुए कौन देख रहा था? बंदर देख रहा था। कौन की जगह पर बंदर देखना है, बाकी पूरा आपका प्रश्न का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर ने बिल्लियों को क्या ले आने के लिए कहा? बंदर ने बिल्लियों को क्या लाने के लिए कहा? तो बंदर ने क्या कहा था? बंदर ने बंदर ने बिल्लियों को तो
पूरा हो गया बच्चों, अब आप लोग इसको ध्यान से लिखेंगे अपनी कॉपी में और इसको लर्न भी करेंगे। ये आपका आखिरी पार्ट था आज, पूरा हो गया, अब आपको इसको राइट करना है और फिर